इससे तो हाँ इस पर ऊपर पड़ गया, थोड़ा अगर भैया धुलाई कर दो, पानी ला दे ना। हाँ हाँ ले आइए पानी ले आइए। दूसरी फाइल आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है भैया? मांस टुकड़ा है, सड़ा हुआ। तो सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा है? अरे बात हो जाए। दूसरी फाइल हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, इसके ऊपर ध्यान दिलवाइए। अभी तक तो सब कसाई सब यहाँ रहे, पूरे रायगली में कसाई भरे रहे, उसी दे सीधे जान जानवर है कटवा देते रहे। वही हाल जो लोग धर्म की बातें करते हैं, जब उनको बुखार आवे तो उनको हत्या उनके कागज करा देनी चाहिए। अभी 120 रुपए का आता ही है, खरीद कर आए, चार दिन चलता ही है। अब तक ये छठवीं डीबी हम ये डिब्बा खरीद कर लाए। कितने डिब्बे हमारे घर में पड़े हैं खाली, यहाँ देखिए सब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ घाव वहाँ घाव, आँख के पास घाव, ना ये मर रही है, यह सब देखिए डिब्बी ही डिब्बी है। तो सरकार को चाहिए कि इनको एकदम सस्ता करवा दे, एक एक डिब्बी आती खरीद खरीद के। ये एक ये देखिए घर में कई डिब्बी पड़ी हैं, ये देख रहे हैं, चार दिन मुश्किल से चलता है, 120 रुपए का आता है। और हमको जसवाल जी केवल लागत लागत पर देते हैं, लेकिन फिर भी पैसा लगता है, 100 रुपए 100 रुपए। अभी भुवन सिंह सामने खड़े, इन्होंने दिया तो अस्पताल से एक फूटी कौड़ी के कोई दवा नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, ये बेचारे ड्रेसिंग कर देते हैं, यही बड़ी बात है। तो इसके लिए कोई दवा मक्खी के लिए ऐसी कंपनी वालों को चाहिए। करोड़ों रुपए मंदिर पर खर्च करने वालों यहाँ चले आओ, यही दवाई है ना, यह दवा सस्ती करवा दो ताकि हर आदमी जो है वो डाल सके। करोड़ों रुपए मंदिर के ऊपर लग रहा है। अब सरकार हाँ को बोलो बाबा, सरकार को बोलो। हाँ सरकार को ये सब चीज़ चाहिए, कैसी कंपनियों की यही दवा को इतना सस्ता करवा दे हर आदमी को मिल सके, गरीब आदमी इस्तेमाल करे। अभी 120 रुपए का आता है और चार दिन चलता है एक डिब्बी बस, यही लावारिस गाय है। बाबा दो दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ इतना घाव है कि दो ही दिन में ख़त्म, 100-100 रुपए 100-100 रुपए के ला रहे हैं। भैया और भी देखिए, कोई मक्खी से कोई और कोई चीज़ अगर हम लोग कोई देसी दवा बना लें फेनाइल वगैरह से मिला करके, तो हमको उपाय बताइएगा। ये फेनाइल पानी में घोल के तगड़े में वही स्प्रे मारा जाए। हाँ कड़वा तेल और फेनाइल मिला के अच्छा बनाया। अच्छा नहीं कड़वा तेल लगेगा तो बालू चपकेगा, देख रहे हैं दुर्दशा है। ये बड़े बड़े घाव न मर रही हैं न कुछ हो रही हैं, ये कितनी दुर्दशा हम लोग झेल रहे हैं कि बाप रे बाप। सुबह से हमारी बेटी सुबह शाम वो चार दिन में बनारस चली जाएगी जुलाई में, तब क्या होगा? उस समय भी कोई जानवर आ गया तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को जिसने काम किया हो बस 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 भैया अब फेनाइल से काम करो दादा। लोशन नहीं लगेगा, लोशन लगा दो तो अभी गाना बन जाए लगाए ठीक है, अभी पीपे से उसको धुलेंगे। अच्छा पीपे धुलेंगे हाँ लगाएंगे ना पक्का आओ क्या लाइए इसको रखें। देखिए आधी आधी का हम आधी हो गई एक दिन में आधी, मतलब 100 रुपए के 120 का इस तरह रखा होगा ना। हाँ रख पता नहीं कहाँ रखा क्या रखा, तो लोगों की हमारी बिटिया की आदत है कोई सामान रखो सामने वो हटा देती है, कुछ भी सामने रखो हटा देगी। अरे ठीक है दीदी दे देना अपना शाम सुबह आती है। ठीक है अब इसको रख रहे हैं, लेकिन नमूना बता रहे हैं, देखिए गाय गाय की दुर्दशा कहाँ तक, कितनी वीडियो हम उठा उठा बना बना डाल चुके हैं, कोई प्रभाव नहीं कोई सुन, वही मंदिर वही मंदिर। अरे हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए एक महीने भर के लिए ना, तो हम तो चाहते हैं कि आदित्यनाथ जी से कहें महाराज जब आप छुट्टी लीजिए एक कानून ऐसा बने एक महीने का पावर हो जाए, हम सारे मंदिर का सारा खर्चा यहीं करवाएं। ये स्प्रे
हाँ जगह जगह घाव, वही जो पक वो कड़ी जमीन का देन है, ये पहले क्या घाव बन चुके हैं, अब बालू बिछाया गया ये भी ढने के इधर आ जाती है, कमरे के अंदर कर दो वहाँ को दिखाई नहीं पड़ेगा कितने कीड़े पड़े हैं क्या पड़े हैं। अब भैया फेनाइल वाला प्रोग्राम वही करो, आज एक हमारे यहाँ रखा है बैठा के ना खाएं तो अब तक प्राण निकल जाते, तरबूज खाती हैं ये, हम इनको बैठाएंगे तो अभी पानी पिलाएंगे, कंपनी को विराम दे रहे हम, कहाँ तक वीडियो बनाएं कहाँ तक यूट्यूब पर डालें कि सारे धर्मात्मा परमात्मा साधु संत, अब क्या बताऊं मैं, मुँह से आग निकलता है उनके लिए, गाय तड़प तड़प के मर रही है, हैं बस भैया फेनाइले वाला आप करो हिसाब, उसी से काम चलेगा, सुबह शाम स्प्रे करना है, ठीक। जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी।